फिरोजाबाद 20 लोकसभा चुनाव तीसरे चरण के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व मंत्री बशीर चौधरी ने सभी समाज वर्ग का वोट हासिल करने का भरोसा जताते हुए कहा कि सभी लोगों को जनता देख चुकी है, मैं सांसद बनने के बाद किसी भी भेदभाव के बिना सभी के लिए काम करूंगा। उन्होंने मतदाताओं को महान बताते हुए कहा कि चुनाव जीत का आधार हमारी जनता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अगर जनता के लिए मैं खड़ा नहीं उतरा तो आने वाले समय में जनता मुझे नकार दे। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मुझ पर भरोसा करके टिकट दिया है तो जनता को भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने सभी जाति धर्म वर्ग के लिए लगन ईमानदारी बिना भेदभाव के काम करने का वायदा किया। देखिए लोकतंत्र है, ये जीत का आधार कुछ नहीं है, जनता तय करेगी। जनता को तय करना है कि किसने क्या काम किया। मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि फिरोजाबाद की जनता बहुत समझदार है, आपने सबको मौका दिया है, एक बार चौधरी बशीर को मौका दें। मैं सभी धर्मों के लोगों से, सभी जातियों के लोगों से, सभी बिरादरियों के लोगों से कहना चाहता हूं कि चौधरी बशीर सेवा भाव से यहां पर आपकी सेवा करने आया है। चुनावी पर्व है, 5 साल में फिर आएगा दोबारा। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरूं तो आप जो सजा देना चाहें चौधरी बशीर को दें, लेकिन मैं ये वादा करता हूं आपके माध्यम से कि मैं सभी धर्मों के लोगों के लिए और जितने भी हमारे यहां और बिरादरियां हैं सभी के लिए काम करने आए हूं सेवा भाव से। एक मौका मुझे अवश्य दें, मेरा काम पसंद आए तो लात मार के उतार दें। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए मुकाबला किसी से नहीं है, मुकाबला तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त सांसद हैं जादौन साहब भाजपा से, अब दूसरे हमारे भाई आए और एक भाई हमारे सांसद रह चुके हैं, तो वो चुनाव लड़, आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जनता ने उनको भी देखा है। वोट देने के बाद वो कितना बीच में आए चुनाव हारने के बाद। एक जो सांसद थे जो अब पूर्व हैं उनका भी कार्यकाल देख चुकी है यहाँ की जनता, तो अब जब दोनों को आजमा चुकी है तो एक बार मुझे भी आजमा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा कि फिरोजाबाद की जनता सभी धर्मों के लोग मेरा साथ दें, एक बार मुझे मौका दें, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ये मैं वादा करता हूं। 2019 में लोटा से भी कम वोट आए थे, इस बार जीत का क्या आधार मानते हैं? जनता का फैसला सर्वोपरि, जनता ने देखिए निष्पक्ष है। जनता अगर आपको नोटा से कम वोट देती है तो ये समझ लीजिए कि जनता आपसे खुश नहीं है, सीधी सी बात है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने आया हूं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती बहन जी ने जो मुझे टिकट दिया है तो किसी विश्वास पर दिया है। एक बार अपना मत देकर देखिए, जैसे आपने कहा कि नोटा से कम वोट आए थे, इस बार अगर मुझे आप लोग उस काबिल बनाते हैं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, अगले 5 साल में अगर आप मेरा रिजल्ट कार्ड तैयार कीजिएगा, रिपोर्ट कार्ड, अगर मेरा काम अच्छा ना हो तो आप हमको तुरंत उतार कर फेंक दीजिए। अंतिम समय में वोट चेंज करने का, टिकट चेंज होने का क्या कारण मानते हैं? क्या कोई कारण नहीं है? अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी टिकट परसों ही हुआ है, नेशनल पार्टी है वो भी, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई पहली मर्तबा किसी दल ने लास्ट टाइम में टिकट दिया। पिछली मर्तबा जादव साहब का भी लास्ट जो दिन था पर्चा भरने का, उस दिन वो लेकर के भी फॉर्म आए थे, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सब ऊपर से होता है और जो अच्छा लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वही करते हैं।